हेलो आप स्वागत है लीगल चैनल में तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर एक्ट 2007 और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन या सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं उस सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे जहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया है कि अगर आप कोई भी तरह का ट्रांसफर डीट बनाते हो और बाद में जाके अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं देखते हैं तो वो आप वो जो भी डीट बनाए गिफ्ट डीट या कोई भी तरह का ट्रांसफर आपने किया है उसको आप कैंसिल करा सकते हो तो आज इसी के बारे में समझेंगे हम इस सेक्शन को हम समझेंगे साथ ही साथ पे इस सेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया है क्या व्यू दिया है वो भी हम बात करेंगे तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो बना है मेन पर्पस ऑफ उस एक्ट का यही था कि जो भी पेरेंट्स है जो भी सीनियर सिटीजन है सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन कौन लोग आ जाते हैं कौन इस कैटेगरी में आते हैं जिनका भी एज साठ साल या उससे अधिक होता है वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ जाते हैं डेफिनेशन के अंदर पे आ जाते हैं अब देखिए हर एक पेरेंट्स का भी फर्ज होता है कि अपने बच्चों को देखे जब तक वो देख सकते हैं साथ ही साथ में बच्चों का ये कर्तव्य हो जाता है कि जब उनके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो तब वो अपने बच्चों को भी देखें सॉरी अपने पेरेंट्स को देखें लेकिन आ, बहुत सारे केसेस पैसा होता है कि ऐसा बच्चे नहीं करते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं वो

पॉइंट जो हो जाता था प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते थे, थे, थे और बच्चे पे दखल कर देते थे पेरेंट्स को तो इस बात को लेते हुए 2007 में एक कानून महत्वपूर्ण कानून बन के आया मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 अब इसमें एक प्रोविजन डाला गया सेक्शन 23 जो सेक्शन 23 जो है आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा मैं एक बार पढ़ लेती हूं और समझा भी देती हूं इसमें बोला गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टन सर्कमस्टांसिस मतलब सीधा सीधा इसका जो टाइटल है उसमें बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि ऐसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस में एकदम वाइड हो जाएगा वाइड का मतलब होता है वो कैंसिल हो जाएगा अब ये कौन से सर्कमस्टांसिस है वेर एनी सीनियर सिटीजन हु आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट हैज ट्रांसफर बाई वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज इज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ट्रांसफर इज शेल्फ provide the basic amenities and basic physical needs to the transferee and such transferee refuses or fail to provide such amenities and physical need the said transfer of property shall be deemed to be have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transferor be declared void by the tribunal इसमें ये बोला गया है कि ये कानून आने के बाद ये मतलब ये मतलब यूज हो सकता है ये 2007 के बाद से ही ये कानून आने के बाद से अगर कोई पेरेंट्स अपना कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बच्चों पे कर देते हैं ये कंडीशन डालते हुए कि ट्रांसफर होने के बाद बच्चे पेरेंट्स को अच्छी तरीके से देखेंगे जैसे देखना होता है वो करेंगे और अगर ट्रांसफर होने के बाद बच्चे ये मेंटे नहीं करते अपने पेरेंट्स को तब ये माना जाएगा कि वो जो ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का वो गलत तरीके से हुआ है फोर्स से करवाया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस से करवाया गया है और वो कैंसिल हो सकता है पेरेंट्स अगर चाहे तो ट्राइब्यूनल में जाकर अब उस डीड को जो भी ट्रांसफर डीड है चाहे वो गिफ्ट डीड हो या जो भी तरह का डीड हो उसको वो ट्रांस कैंसिल करा सकते हैं ये आपका ट्वेंटी थ्री सब क्लास वन में बोला गया है

और फल सब्जियां बिक्री होती है और उससे फिर पैसा आते रहता है तो उस पैसों में भी जो पेरेंट है उनका हक रहेगा ही रहेगा ओके okay.

पैसन बनकर आ रहा है वो बच्चे नहीं दे रहे हैं और वो खुद कुछ कर नहीं कर सकता है तो उसके बिहाफ पे जो एन होते हैं या और भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके बिहाफ पे जाकर ट्राइब्यूनल में केस फाइल कर सकते हैं तो ये हक उनको भी दिया क्योंकि फैक्ट है ना अगर आपका एज 85 हो गया 90 हो गया तो आप इतना ज्यादा भागा दौड़ी नहीं कर सकते हो तो उस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन को अधिकार दिया गया है कि वो उनके बिहाफ में कर सकते हो क्योंकि देखिए मेन जो पूरा एक्ट को हम समझे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर तो एक वेलफेयर की नीति से ये

इसमें जो इसका फैक्ट होता है, केस वो ये रहता है कि जो लेडी है, है? ट्राइब्यूनल में आ जाती है और बोलती है कि ये जो डीड से उसको कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि एज पर दिस डीड के हिसाब से इसको कैंसिल करना चाहिए और वो कैंसिल भी हो जाता है उसके बाद इमार होते होते सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन ट्वेंटी थ्री को डिफाइन किया है अब सेक्शन को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इस में ये बहुत, बहुत जरूरी है ये कंडीशन डालना बहुत जरूरी है कि आप इस कंडीशन पर ट्रांसफर कर रहे हो कि इस ट्रांसफर के बदले में आप मेरा देखभाल करोगे अगर ये कंडीशन उस डीट पर नहीं रहता है तब वो एक नॉर्मल गिव डीट जो लव एंड अफेक्शन वाली बात है वो उसमें उठकर आ जाती है इस ऐसा इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में किया है और क्योंकि उस जो क्लॉज जो था जो ड्रिलिंग डीड था उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया था ये क्लॉज डाला ही नहीं गया था कि इसके ट्रांसफर के बदले में मुझे दिया जाए मुझे, मुझे देखभाल किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तो ये जो डीड है ये जो रेलिंग्विश डीड है ये वैलिड है कि उसमें ये कंडीशन आपने डाला नहीं है तो इसे नॉर्मल रेलिंग्विश डीड जो है उस पर माना जाएगा लेकिन साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा उस लेडी से क्योंकि लेडी एटी फाइव ईयर्स ओल्ड थी कि क्या आपको देखभाल की जरूरत है मतलब क्या है अगर आप चाहे तो हम आपके लिए प्रोविजन करा सकते तब तो उस लेडी ने कहा कि नहीं मुझे देखभाल की जरूरत भी नहीं है मेरे पास अपना और एक घर है उससे पैसे आते हैं मुझे पेंशन मिलता है तो मुझे देख देखभाल की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ मैं अपना प्रॉपर्टी वो बच्चों को नहीं देना चाहती थी इसलिए मैंने सेक्शन ट्वेंटी को इन्वोक किया तो ये बात हो कि उसपे खत्म होती है लेकिन हाँ एक चीज इसमें क्लैरिटी हो जाती है कि जब भी हम कोई रेलिंग डीट बना रहे हैं या गिफ्ट डीट बना रहे हैं या फिर हम किसी भी तरह का ऐसा डील बनाते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टी अपने बच्चों को हम दे रहे हैं और अगर हमारा ये नियत है हमारा ये सोच है कि मैं अगर प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो मेरा बच्चा मुझे देखभाल करेगा अगर आप इस सोच के साथ में दे रहे हो और अधिकतर पेरेंट्स इसी सोच के साथ में देते हैं तो उसको रिटर्न में भी लेकर आइए ये बहुत जरूरी है क्योंकि कानून भी बोलता है कि आप रिटर्न में लाइए कंडीशन होना चाहिए क्योंकि देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का हमारा दूसरा एक कानून भी गवर्न करता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसमें जो गिफ्ट ड्यूट है उसमें लव एंड अफेक्शन बहुत क्लियरली लिखा हुआ है और जब इस लॉ जो सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया और उसमें बहुत क्लियरली बोला कि आप प्लीज एड करिएगा इस सेक्शन को ये कंडीशन जरूर डालेगा तब अगर आप चाहते है कि आगे तक बच्चा आपका नहीं देख रहा है तब कैंसिल कर सके आपके पास हाथ में वो पावर है तो आप प्लीज इसको एड करिए इसीलिए अवेयरनेस इस कानून का होना बहुत जरूरी होता है सीनियर सिटीजन का कि आपको मालूम हो कि आपका कानून बोला गया और उसी हिसाब से आप कानून का उपभोग करें कोई लॉयर के पास जा रहे हैं क्या पता उस लॉयर को नहीं पता है सेक्शन की क्लियरिटी के बारे में तो आपको ये मालूम हो तो जो भी, भी व्यूवर्स इस वीडियो का आज देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश कर यूजअली मैं ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ कि आप इसको शेयर करिए इस वीडियो को ताकि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपना प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराना चाह रहा है अपने किसी बच्चे को तो उसको पता होना चाहिए कि वो ये कंडीशन को जरूर लगाए उसके बाद ही ट्रांसफर करे ताकि उनके हाथ में पावर रहे और बच्चे भी बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हो गया है और हम नहीं ठीक से देखेंगे तो ये कैंसिल जाके करा सकते हैं तो ये दोनों के लिए सही रहता है तो व्यूबर्स आज का मेरा वीडियो इसी चीज के बारे में था आई होप आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल फिनिक्स लीगल को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो